जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत मैक्सिमम नॉलेज पर। एमपी रोजगार सहायक रिक्वायरमेंट का जल्द कैलेंडर जारी हो चुका है। आप सभी को लंबे समय का जो इंतज़ार था वो अब ख़त्म हो गया है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या जो फीस लगेगी आवेदन करने की, कितने पद रहेंगे और कब इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। पूरी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके पद की। तो जो है एमपी रोजगार सहायक सचिव के लिए मध्य प्रदेश में भर्ती निकल चुकी है। पद संख्या 900 है। आवेदन मोड ऑनलाइन होगा। इसमें सैलरी जो रहती है वो 5,200 से 20,000 के आस लगभग मिलती है। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन परीक्षा रहेगी। कैटेगरी जो है ये सरकारी नौकरी है, आप समझ सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pebmp.government.in। और जो आप शैक्षणिक योग्यता की बात करें इसकी, तो एमपी में रोजगार सहायक वैकेंसी 2022 में आवेदक के पास जो है 12वीं पास प्लस DCA एवं PGDCA होना चाहिए। इसके समकक्ष होने पर भी आप मान्य रहेंगे। कृपया विभाग में जाकर नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं और आप जो है समझ सकते हैं वहाँ जाकर। और भी अगर आप कोई डाउट हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। आयु सीमा जो है इसमें एमपी जो रोजगार सहायक सचिव है इसमें 18 वर्ष से 40 वर्ष तक होना चाहिए। परीक्षा शुल्क जो है इस एमपी रोजगार सहायक ऑनलाइन फॉर्म 2022 के लिए आवेदन का अनारक्षित की जो जनरल है ओबीसी के लिए जो परीक्षा शुल्क है वो 350 रुपये हैं। और जो आरक्षित जो है SC ST वाले उनके लिए है 250 रुपये फीस देनी होगी। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। सैलरी आपको मैंने बताई दी है। और जो इनकी तिथियां हैं वो अभी जल्द ही जारी होगी, अभी जारी नहीं हुई, कैलेंडर जारी हुआ है उसके लिए मैंने आपको ये खबर दी है ताकि आप अपनी तैयारी बेहतर कर सके और इसमें अपना जॉब लेकर सुनहरा भविष्य कर सके। तो यही जानकारी थी। जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।